मैं हूं ना और आप देख रहे हो धनतेज हस्त कला केंद्र। आप सभी प्यारे प्यारे कला प्रेमी दोस्तों का मेरे इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चारपाई की एक नई डिजाइन आज इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा, तो शुरू से आखिर बिना स्किप किए बिना जंप किए जरूर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे ध्यान से देखना, ये क्या चीज़ है मैं भी आपको बताऊँ, इसको लगाने का मकसद क्या है वो भी आपको बताऊंगा। इस तरह से हम खींच लेंगे इसमें, देखिए इस तरह से दोस्तों। इसको लगाने का मकसद ये है कि ये जो रस्सी है जो हम क्रॉस ताला खींचेंगे वो इस तरह से लगाएंगे ताकि ये आगे खींच सकने ना पाए। दोस्तों, एक रस्सी हमने लगा ली है और एक और लगाएंगे, देखिए पूरे ध्यान से देखना, इस तरह से मजबूत गिरा लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, क्रॉस डिजाइन की चारपाई शुरू से कैसे बुनी जाती है वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से दो रस्सी ज्वाइंट की है, अब क्या करना है, दो में से हम एक ही लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। देखिए, और क्या करना है इसके बाद, सामने आएंगे, देखिए इस तरह से, और दोस्तों इसको ऐसा थोड़ा लूज रखना है। देखिए, हर पॉइंट के ऊपर आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप में से दोस्तों वीडियो स्किप कर देते हो और अति आवश्यक माहिती से आप वंचित रह जाते हो और बाद में आप फोन करते हो, भाई साहब आपने ये बताया नहीं। ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका होता हूँ, लेकिन आप वीडियो जब स्किप कर देते हो तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हो। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने एक ताना खींच लिया क्रॉस, अब क्या करना है देखिए, हमारा कैमरामैन सुविधारी से आपको बताया। देखिए दोस्तों, ये ताना और हमने जो पीछे छोड़ा हुआ था अब उसको भी साथ में ले लेना है। देखिए दोस्तों, एक ये और उसके बाद क्या करना है, ये जो हमने एक गांठ लगा के रखा है, गांठन लगा के उसको भी साथ में ले लेना है और उसको इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए, अब क्या करना है दोस्तों, हम दोनों रस्सी लेके चलेंगे उधर उस तरफ, इस तरह से दोनों रस्सी चलेगी। देखिए इस तरह से, देखिए दोस्तों एक और एक दो, ठीक है, और इसको भी हम इस तरह से हल्की रखना है, थोड़ा लूज रखना है दोस्तों। देखिए इस तरह से, और इसको इस तरह से लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से लेना है और उसके बाद हम यहाँ लेंगे। देखिए दोस्तों, ये दो शुरुआत में हमने एक ली थी, उसके बाद ये दो ली, ठीक है, तो हो गई टोटल तीन। अब यहाँ पर आके ये दोस्तों देखिए, इस तरह से और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से तीन और दो पांच हो जाएगी। देखिए, पूरे ध्यान से देखना दोस्तों, तीन ताने और बाद में ये दो ताने, पांच ताने। अब क्या करना है दोस्तों, इसको ऐसे निकाल कर इसको एक जो पांच ताने हैं उसको इस तरह से कर देंगे। देखिए, और यहाँ पे भी हम इस तरह से कर देंगे। देखिए, और आपको मैंने जो बताया था कि इसको थोड़ा लूज रखना है, ढीला रखना है, उसकी वजह है दोस्तों कि हम इस तरह से आपस में जितना हो सके उतना एक दूसरे से शुभ करीब कर देना है इस तरह से, और इसको हम यहाँ पे खींच कर इस तरह लेंगे। देखिए, और यहाँ पे हमने पांच ताने खींचे, अब दोस्तों यहाँ पे हम छह से ताने करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए इस तरह से निकालिए, पूरे ध्यान से देखना दोस्तों, ये दो रस्सी है दोस्तों एक दूसरे से देखिए इस तरह से लेना है। देखिए, और हम इसको इस तरह करके को वापस खींच लेंगे इस तरह से। देखिए, पूरे ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आप स्किप कर दोगे तो अति आवश्यक जानकारी से आप वंचित रह जाओगे दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह जाएंगे, देखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब क्या करना है,
थोड़ी गैप छोड़ के रखेंगे इस तरह से। अब हमें दो दो दूरी साथ में चलाना है इस तरह से, पहले ली थी और इसको अब इस तरह से लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो रस्सी हुई और यहाँ पे चार रस्सी हो गई। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे उठाकर। दोस्तों, इस तरह की चारपाई की डिजाइन को आपकी प्रादेशिक भाषा में, आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। देखिए, अब हम इसको वापस खींच लेंगे इस तरह से। देखिए, और इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से आगे बढ़ना है। देखिए, और इसको इस तरह कर लेना है। देखिए दोस्तों, एक दो तीन चार दाने हुए और इसके बाद ये दो, टोटल छः दाने हुए और हमने सेंटर में पांच पांच दाने रखे हैं। अब क्या करना है, छः दाने के बाद इस तरह लेना है। देखिए, और इसको इस तरह से कर देंगे दोस्तों। अब जो यहाँ पे आगे जो दाने आएंगे वो छः छः दाने आएंगे। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो हमने नीचे किया था इसको अब ऊपर ले लेंगे इस तरह से। देखिए, और यहाँ पे भी ऐसे कर देंगे जैसे यहाँ पे किया हुआ है। देखिए दोस्तों, इस तरह से, और दोनों रस्सी को इस तरह से साथ में लेते हुए इस तरह से निकाल लेना है। देखिए, और दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ पाओ, अच्छी तरह से सीख पाओ, इसलिए मैं आपको तफसील में डिटेल में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसके लिए इस तरह करना है और इसको वापस खींच लेना है। देखिए, देखिए दोस्तों, इस तरह से, और इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। देखिए दोस्तों, अब इस तरह से, देखिए ये दो ताने हुए, यहाँ पे हम इस तरह से छह ताने लेंगे इसी जगह पर, और इसी तरह से आगे बढ़ना है। देखिए, और इस तरह से, देखिए देखिए दोस्तों, इसको वापस खींच लेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर आप ये सब काम सीखना चाहते हो, हस्तकला में आपको अभिरुचि है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक दो तीन चार पाँच और छः। देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, हमको पूरे ध्यान से देखना दोस्तों। इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से, और इसको ये जो छः ऊपर लेना है इस तरह से। देखिए दोस्तों, और अब पूरा ध्यान रखना, पूरा ध्यान से देखना दोस्तों। ये जो सेंटर में पांच पांच ताने हैं, इस तरफ पांच और इस तरफ पांच, उसमें से क्या करना है, एक इधर से और एक इधर से लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से, और यहाँ पे हम इस तरह से ले लेंगे। देखिए दोस्तों, इसका रोल क्या है, इस तरह से, ये क्या है, रस्सी आगे खिसकने ना पाए, इसलिए हमने ये जुगाड़ बनाया हुआ है इस तरह से। दोस्तों, चारपाई, कुर्सी, टेबल, सोफ़ा, झूला वगैरह वगैरह अलग अलग डिजाइन में अलग अलग तरीके से किस तरह से बुना जाता है, वो सब आप इस चैनल पे सीख सकते हो। अगर आप ये सब सीखना चाहते हो और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों,
इस तरह से लेंगे और इसके बाद इस तरह से लेना है। और हमने जो एक रस्सी इस तरफ से और एक रस्सी इस तरफ से ली थी, अब क्या करना दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, अब हम लेंगे दो रस्सी इस तरफ से और इस तरफ से दो। देखिए दोस्तों, एक ये और अब हमने ली दो रस्सी इस तरफ से ली और दो रस्सी इस तरफ से ली। आगे जाके आपको डिजाइन के बारे में मालूम पड़ जाएगा दोस्तों, पूरे ध्यान से देखना। इस तरह से निकाल देना है और इस तरह से देखिए, हमारा कैमरा मैन से गुजारिश आपको और करीब से बताएं। देखिए दोस्तों इस तरह से, और उस तरफ वाली रस्सी को हम इस तरफ खींच लेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों अब क्या करना है, देखिए दोस्तों इस तरह से निकाल लेंगे। और अब क्या करना है, ये सब दो 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 और ये पूरे सब ले लेना है नीचे से इस तरह से। देखना और इस तरह से उस तरफ हम डिजाइन करेंगे और इस तरफ हमको रस्सी खींच लेना है। देखिए दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम दो रस्सी साथ में चलाते हैं तो इस तरह से आपस में उलझ नहीं ना पाए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से बीच में उंगली रखकर इस तरह से निकाल लेना है। देखिए, और अब आप देख सकते हो दोस्तों, सेताने कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस तरह से करेंगे इस तरह से, और इसको ऊपर से ले लेंगे। पूरे ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब दो रस्सी लेंगे शुरुआत की इस तरह से, और ये दो इसकी दो ये और दी दो ये इस तरह से लेंगे। और ये जो सेंटर वाली है, देखिए दोस्तों, इसको हम नीचे कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से, ये एक रस्सी इस तरफ की है और एक रस्सी इस तरफ की है, वो है सेंटर, यही हमारा चारपाई का सेंटर पॉइंट। देखिए, और इसका आगे क्या करना है, इसको इस तरह ले लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे कैमरामैन के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए दोस्तों, और इसको इस तरह से कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसको खींच देंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, इसके बाद हमने पहले एक लिया था, इसके बाद यहां से लेंगे इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छः। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे क्या करना है, पहले दो कपल, एक कपल नीचे रखा था, उसके बाद हम तीन कपल, और इसको इस तरह से ले लेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक दो तीन, तीन है और पांच कपड़े नीचे करना है इस तरह से। देखिए दोस्तों,
पांच ताले यहाँ पे हैं और उसके बाद हम छः छः ताले दे रहे हैं। पांच ताले कम छः ताले कंप्लीट होने के बाद इस तरह से करके आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों अब क्या करना है, शुरू के दो ताले लिए और यहाँ से चार ताले लिए, एक दो तीन और ये तीन दो छः, छः ताले दोस्तों। अब क्या करना है, ये सेंटर में रस्सी सेंटर का जो दो ताले हैं उठा लेना है। देखिए दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों और इसको हम चिपका देंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ेंगे, एक दो तीन, और सेंटर में हमने एक कपल लिया था। अब क्या करना है, तीन कपल मतलब छह रस्सी। देखिए दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसकी वीडियो में इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दीजिए। इसके आगे की डिजाइन अगले पार्ट में देखने को मिलेगी, जरूर देखना। अब अपने भाई को अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।